हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बेला। मैं हूं शशांक, आपका दोस्त एंड होस्ट एंड आपका टेक्निकल होस्ट। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है आपके लिए कि गूगल ने एक लेंस जो है गूगल लैंप्स नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि अभी बहुत 2 घंटे पहले ही लॉन्च किया गया है। और ये ऐप जो है ये बेसिकली क्या करने वाला है और क्या ये ऐप है और इसका क्या क्या काम होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, तो ये जो गूगल ऐप है ये बेसिकली एक ऐसा गूगल लेंस जो है ये ऐसा ऐप कहलाएगा जिसको आप अपने कैमरे के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और इस कैमरे में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप कैसे जो भी इसके अंदर आप कैमरे के सामने लाएंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि वो क्या चीज़ है और उसके बारे में वो सर्च करेगा गूगल में। और सर्च करने के बाद में उसके डिटेल आपको वहीं पर वो दिखाने लगेगा। इसका मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ कि वो कैसे करेगा ये सारी चीज़ें। और गूगल ने अभी लॉन्च किया है, अभी ये ऑलरेडी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसमें समय लगेगा इम्प्लीमेंट होने में। और होने के बाद लेकिन ये बहुत ही जल्दी गूगल इसे लॉन्च कर सकता है और जो है पब्लिक तक इसको ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर में डालेगा या गूगल जो है जितने भी इसके अपने प्रोडक्ट दिए हुए हैं गूगल ने उसके साथ में इसको लॉन्च करने के बाद में इसको दे सकता है कुछ ही दिनों में। तो आइए देखते हैं क्या है और समझते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, बेसिकली जो गूगल लेंस है वो आपको बता दूं मैं, गूगल लेंस जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ही वर्क करेगा। जब आप अपना कैमरा इसको ऐप को डालेंगे अपने मोबाइल में और ऐप को डालने के बाद में जब आप इसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो जो भी कैमरे के सामने आप उसको अगर जिस जो भी आप फ़ोटो क्लिक करने वाले होंगे इस फ़ोटो के बारे में आपको ऑलरेडी अगर वो उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गूगल में होगी। और बेसिकली गूगल ऐसा सर्च इंजन है जहाँ पर हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको उसमें दिखा देगा। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू इसको समझाता हूँ मैं आपको, जो कि अभी आपको मैं दिखा के बताता हूँ कि कैसे ये यूज़ कर पाएंगे आप लोग। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे अभी से कह रहा था कि जो गूगल ऐप है वो कैसे काम करेगा, मैं आपको बताता हूँ गूगल लेंस का जो काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में आपको दिखा रहा है कि जो गूगल आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो ये जो भी फ्लावर के आप फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वो आपको दिखा रहा है कि वो फ्लावर एक्चुअल में है कौन सा, उसके बारे में आपको ये बताएगा कि वो फ्लावर कौन सा है। और इसके अलावा एक फ़ोटोग्राफ जो और दी गई है अभी लॉन्चिंग में, उसमें ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट को अगर आप देखते हैं अपने मोबाइल से जो है रेस्टोरेंट चेक करते हैं सामने अगर आपके मोबाइल कैमरे में और रेस्टोरेंट का जो फ्रंट है वो आपको दिख जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और वो आपको शो करके बता देगा कि इसकी रेटिंग क्या है, वो रेस्टोरेंट में क्या मिलता है और आपको उस रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं। ये सारी चीज़ें वो आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही हो सकता है। इस तरह से आपको वो ऑटोमेटिकली जो है कि इमेज रीडर रहेगा और ये कैमरे के थ्रू इमेज को रीड करेगा और उसे गूगल के थ्रू कनेक्ट करके, तो ये बेसिकली एक आपका सर्च इंजन ही होगा और जो गूगल का खुद का बनाया हुआ एक ऐप होगा और जो कि लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना सक्सेसफुल होगा। बट अभी जो है ये लॉन्चिंग बस हुई है, इसके बारे में अभी पूरा जानकारी अभी इसके बारे में दी नहीं गई है कि कब लॉन्च होगा और इसकी क्या डेट होगी। तो दोस्तों, बने रहिए टेक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल टेकविला में और बने रहिए और इन्फॉर्मेशन्स नई नई पाती रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे रॉक।